चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक भोपाल में आयोजित रजत जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। हमारा अपना देश का कई मामलों में एक तरह से नई हिस्से में नई चुनौती आई, लेकिन भारत ने जैसे हिसाब चुकता किया है, जाने अनजाने युद्ध हुआ 1962 का, उस 62 के युद्ध के तुरंत बाद 65 का युद्ध हुआ। 62 का युद्ध हमको असावधानी की अवस्था में मिला, जब हम थोड़े लापरवाह हुए थे, लेकिन बात सही है कि 62 के युद्ध में भी सैनिकों ने जो पराक्रम पुरुषार्थ दिया, सीमित संसाधन पुराने हथियार, लेकिन दिल का जज्बा ऐसा था कि क्या गजब धाया है। लेकिन काल के प्रवाह में तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के समय 65 का जब युद्ध हुआ है, तो ये दुश्मन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार कारगिल तक किसी को उसके घर में घुस करके मारने की शुरुआत हुई 65 के युद्ध से, जब हमारी सेना ने लाहौर तक अपना तिरंगा फहराने की स्थिति बनाई। हमने तो समझ लिया था कि इसमें दम नहीं है, लेकिन ये भी बात सही कि हम अपनी सीमा भी जानते हैं, मर्यादा भी जानते हैं। दोबारा मौका आया कि ये बार बार मानेगा नहीं तो एक के दो करने का, एक नया देश पाकिस्तान को दो टुकड़े करके हमने 1970 की लड़ाई जीती, और ये तीसरा युद्ध एक तरह से 1999 का कारगिल वाला वाकई अद्भुत था। देवी की असावधानी की बेटी ने कविता में जोड़ी, निंद्रा टूटी, निंद्रा नहीं टूटी बेटा, ये हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ, हमारी आंखों में धूल झोंकी गई। हम तो भरोसे से थे, प्यार बांटने प्यार लुटाने वाली हो, जिसने अपने उस हजारों साल पुरानी परंपरा को निभाया, तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में, सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो पड़ोसी का धर्म निभाने के लिए हम तो प्रेम लुटा ले, लेकिन जिस देश की नींव में ही षड्यंत्र है, छल है, कपट है, बेईमानी, तो उसके कारण से उससे उम्मीद करना कि वो सही चलेगा। हम यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने ऐसे देश के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस अवसर पर इसको भी स्मरण करना चाहिए। कारगिल का युद्ध हमको अपनी सीमाओं की रक्षा करना, सीमाओं में सीमित संसाधनों के बीच भी कुशलता के साथ विजय प्राप्त करने का एक अद्वितीय इतिहास लिखने का मौका देता है। जब दुश्मन चुनौती की तरह चट्टान पे बैठा, और जो आपने कहा वो घुसपैठिया के रूप में आता है, वो अलग से छल करके हमारे सामने आ रहा है, लेकिन अगर आंकड़ा पकड़े हैं, अगर आपने जो बताया है कि दुनिया तो 5000 मानती है, हम 2-2500 की कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी 700-750 सैनिक को मानते ही, सैनिक तो एक भी क्यों ना। हमारे अभिनंदन को याद करो, मूछ वाला हमको यह कल्पना करो, केवल जोरदार ताली बजा, हमारा देश का एयरफोर्स का जवान गिर जाता है पास में, और हम सब देखते हैं दिन भर, वो उसको चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, केवल एक बार बात कर लो, केवल एक बार बात कर लो, बात कैसे कर लियो, क्यों कर लियो। कारगिल दिवस के अवसर पर ये तो